हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, किरण की बेटी है, और आध्या के साथ बहुत पढ़ता है। और आध्या के साथ तो कोई भी बच्चा का इतना अच्छा, मतलब उससे कोई भी बच्चा ना अच्छे से रह जाता है उसके साथ में। और कोई भी एक बार मिलता है तो उसके साथ भी खेलना चाहता है, तो पूरा इंजॉय कर रही थी। और हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, फोटो सेशन वगैरह हो रहा था, डिनर अभी तक हम लोग का नहीं हुआ है, तो बस अब हम लोग स्वाद में जाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे। बस किरण की वेट कर रहे हैं, हम लोग तो उसके बाद अब हम लोग आ गए यहाँ पे डिनर करने के लिए। ऐसे पेट तो एकदम फुल है, कुछ भी खाने का मन नहीं था बिकॉज हाइटी इतना ज़्यादा हो गया था। तो फिर भी हम लोग थोड़ा सा लिए, थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं। तो बस और एक ही प्लेट में हम लोग दोनों जन खा लेंगे, हम और किरण। और मेरी बेटी को तो डिनर कुछ करना नहीं है, बोले मम्मा से गाजर का हलवा खाऊंगी, बस वो गाजर का हलवा ही खाएगी और कुछ भी नहीं खाएगी। हाइटी में वो चीज़ बहुत ज़्यादा खाने में उसको चीज़ बहुत उसका बहुत पसंद है। और यहाँ पे फोटो हो गया, तो मैं बैठी हुई थी तो किरण फिर बुला ली मुझे कि राधा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं। फिर किरण की मम्मी जी जो है मदर इन लॉ, वो भी बोले कि फोटो सेशन वगैरह करा लेते हैं, तो उन लोग भी डिनर करती। तो बस यहाँ पे फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स का फोटो सेशन वगैरह हो रहा है, तो फिर मैं नहीं गई, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई। तो जब हो जाए तो फिर वगैरह करा लेंगे। और आध्या तो फोटो शूट कर ही गई है, और जो जो सिस्टर थी वो चली गई है अपने घर, बिकॉज चाचा को जाना था, चाचा को जाना था बाहर, तो मॉर्निंग में उठना है, तो इसलिए फिर जल्दी चली गई। तो यहाँ पे देखिए किरण की बेटी कैसे करती है, मतलब पूरा रोने लग गई थी अपने पापा के लिए, कि अपने पापा को गोद में जाने के लिए। तो अभी तक किरण के हस्बैंड जो है वो अभी तक आए नहीं है, इसलिए वेट किया जा रहा है कि वो आ जाएंगे तब फोटो सेशन स्टार्ट होगा सबका। तो ये इस साइड में लेफ्ट साइड में किरण के चाचा चाची है, और ये दुल्हा दुल्हन, और ये उनकी मम्मी जी एंड पापा जी है, और ये मेरी फ्रेंड किरण जो पर्पल कलर का ड्रेस पहन के रखी है, वो मेरी फ्रेंड है। तो वो किरण की बेटी इधर उधर भाग जा रही थी, तो उसको लेके आया जा रहा था, वो देखिए पैर पे कैसे गिर गई, उसको गोद में आना है। और किरण तो है, किरण है प्रेग्नेंट, तो फिर गोद में एक माँ तो मतलब कितना भी मंथ्स का पेट में रहे, जब तो छोटा बच्चा रहता है तो उठा ही लेता है, बट फैमिली मेम्बर्स का कोई होता है तो फिर मना करता है नहीं उठाने के लिए। तो वो गोद में आने के लिए पूरा रो रही थी, तो वो फिर उसका डिमांड था कि पापा के गोद में जाएगी, तो पापा का वेट कर रही थी और अपनी मम्मी को पूरा तंग कर दी थी एकदम। या आप लोग देख सकते हैं रोने भी लग गए थे। और बच्चा है, बहुत लेट हो गया, तो बहुत देर से घूम फिर रही है, उसको सोने का मन करता है। कोई भी बच्चा एकदम टायर्ड हो जाता है दिन भर पार्टी में घूमते घूमते। और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही क्यूट, मुझे बहुत क्यूट लगती है। और आ गए यहाँ पे अपने हाथ किरण के हस्बैंड, वो गोद में ले लिए, फिर मनाने लग गए, प्यार करने लगे। कोई भी पापा की बेटी लाडली होती है, बहुत लाडली होती है पापा की बेटी। लोग घर आ गए, घर पहुंच गए हैं, ये लेने आए थे हम लोग को। क्या पापा का वेट कर रहे हैं बेटा? और रिहर्सल एकदम खराब हो चुका है। और गाइज मुझे बताइएगा कि मेरे पे न्यूड कलर का लिपस्टिक कैसा लगता है, मेरे फेस पे सूट करता है कि नहीं करता है। हमेशा तो मैं ग्लॉसी ही लगाती हूँ, न्यूड नहीं लगाती हूँ, आज न्यूड लगाई बिकॉज इनका मन था, ये बोले न्यूड लगाना कैसा लगता है। न्यूड कलर तो आप ही बोले थे लगाने के लिए मुझे, इनके बोलने पर मैं लगाई थी। गाइज मैं थोड़ी देर पहले मार्केट गई थी, और आज मेरे साथ क्या हुआ था कि मोबाइल घर पे छूट गया था। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मोबाइल मेरा घर पे छूट जाए। मैं घर से निकल गई तो मुझे याद आया कि मोबाइल मेरा घर पे छूट गया है, तो मैं बहुत देर तक आज बाहर थी, 4-5 घंटा थी बाहर, फिर भी मतलब
बहुत कुछ सूट कर सकती थी, कुछ भी सूट नहीं कर पाई। बहुत कुछ परचेज़ करा था, परचेज़ करने गई थी, घर का सामान भी था और कुछ कुछ काम भी था। उसके बाद फिर आई मैं घर आके, कुछ नाश्ता पानी की, उसके बाद वॉक करने गई। वॉक करके अभी आ रही हूँ, तो मैं सोची बता देती हूँ आप लोग को, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया आज। और बस अभी वेट पे आई हूँ, आज एक बार भी मतलब चाय नहीं पी हूँ। मैं घर से बाहर थी तो चाय पीने का चांस मिला ही नहीं, और ये नहीं रहते तो फिर नहीं पी पाती हूँ मैं। तो बस अब देखती हूँ ये आ रहे हैं तो पता चलेगा चाय बनाऊँगी कि नहीं, यही बताएंगे मुझे। क्या हो बेटा बोलो? इरेजर नहीं मिल रहा, ये रब कैसे करूं? अच्छा नहीं है भाई का बॉक्स में? भाई का इसका तो बॉक्स ही नहीं है। तुम्हारे पास एक भी नहीं है? एक ही था, गुम गया। अच्छा ठीक है रुको। तो गाइस मैं अब थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोग से। गाइस आज मॉर्निंग में मैं सूट नहीं की बिकॉज काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता तो मैं सूट नहीं कर पाती हूँ। तो आज मैं मतलब काम का प्रेशर, किचन में प्रेशर नहीं, रूम का साफ सफाई में कुछ कुछ काम में ऐसे ज़्यादा प्रेशर था। और बेटी का एग्ज़ाम आने वाला है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ कि वो मेरा सूट के चक्कर में उसका पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आए। और ये तो रहते नहीं कि सूट करेंगे। तो मैं बताती हूँ आज क्या बनाई। फूलगोभी, आलू मटर का सब्जी और चावल दाल और चिल्ला, ब्रेकफास्ट में चिल्ला। आज चिल्ला खाई, पोहा नहीं खाई, चिवड़ा मटर भी नहीं खाई हूँ। तो आज का क्या हुआ? तो बस आज दिन भर यही था। और भी बहुत सारा मतलब बहुत सारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मैं इधर से उधर हो गया है, कुछ इस बैग में कुछ इधर उधर, सब ठीक से अरेंज करना है मुझे। और कल देखती हूँ, कल ये लेके बैठूंगी काम। ओ कल तो कर नहीं पाऊंगी, कल तो है संडे। और आज मैं खिचड़ी नहीं बना पाई बिकॉज दाल, जो मूंग दाल होता है वो ख़त्म हो चुका था। मूंग दाल के बिना फिर खिचड़ी अच्छा नहीं बनता है। तो मैं दाल वगैरह भी लेने गई थी, एकदम भी नहीं था, थोड़ा सा बस मसूर दाल थोड़ा सा था तो दाल बना दी थी। तो आज सत्तू का पराठा भी नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बना पाई सैटरडे को। लेकिन नॉर्मल खाना था वो बनाई। अब कल देखती हूँ ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ। ऐसे बहुत दिन से आलू पराठा का मन हो रहा है बनाने का, तो आलू पराठा नहीं बना रही हूँ। तो कल देखती हूँ आलू पराठा बनाऊँगी। और इनका कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, तो मीठा हो सके तो बाहर से जलेबी रसगुल्ला आ जाएगा या फिर घेवर आ जाएगा। मैं तो बोल रही थी इनको हलवा बना दूँगी, बट ये मेरे को मना कर रहे हैं कि हलवा मत बनाओ, मेरे को घेवर खाने का मन है, तो घेवर खाएँगी ये तो अच्छा ही है। और जा रही हूँ मैं ऑयलिंग थोड़ा करने, ऑयलिंग तो की थी फिर करूँगी आज। मैं ऑयल निकाल के रखी हूँ, और सैटरडे को ऑयलिंग करना अच्छा होता है, और कल शैम्पू कर लूँगी मैं। सो गाइस मैं ब्लॉग में पेंड करती हूँ। आज का ब्लॉग एकदम छोटा सा है, जो भी है मैं अपलोड कर दे रही हूँ। तो कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को चारों तरफ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।